हेलो एवरीवन, मैं हूं विनोद कुमारी। सात्विक रसोई की एक और कुकिंग अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम शिशु कुकर के अंदर बैंगन को भूनने जा रहे हैं। तो बैंगन को भूनने के लिए यहाँ पर मैंने किलो बैंगन लिए हैं। और बैंगन को जब भी आपने खरीदना है तो सबसे पहले ये देखना कि बैंगन बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, और जब भी उसको हम दबाएं तो वो सॉफ्टली दब जाए। अगर वो बहुत हार्ड है तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बीज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गैस को ऑन करेंगे। ये शिशु कुकर लिया हमने, 24 सेंटीमीटर रेगुलर है, और इसके जो कैपेसिटी है वो 3.2 लीटर की है। तो सबसे पहले हमने गैस को ऑन कर लिया और गैस को हम सिम ही रखेंगे। उसके बाद सारे के सारे बैंगन जो हैं वो किलो बैंगन इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे बैंगन हम बीच में रख देंगे। और आज हमारी सिम ही रहेगी, तो इस तरीके से हम ढक्कन इसको लगा देंगे। और यहाँ पर थर्मो इंडिकेटर लगा है जो कि हमें बताएगा कि अंदर की क्या कंडीशन है, अंदर की कुकिंग को ये दिखाता है। तो जैसे ही हमारा जो मीटर है या हमारा जो नीडल है इसकी, वो 80 पे जाएगी, हम इसको टर्न करेंगे। तो तब तक हम 80 पर आने की वेट करते हैं। देखिए हमारी जो नीडल है वो 80 पे जा चुकी है। अब हम इस ढक्कन को हटाएंगे और बैंगन को एक साइड से दूसरी साइड में पलट देंगे। अब इसको हमने फ्लिप कर दिया है और अब हम दोबारा से इस लीड को लगा देंगे और 100 तक जाने की वेट करेंगे। जैसे ही 100 पे नीडल आएगी हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए ये जो नीडल है 100 तक पहुंच गई है, और इसका मतलब ये है कि बैंगन भूनने का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया। अब हम गैस को बंद कर देंगे और 5 मिनट की वेटिंग देंगे। आफ्टर 5 मिनट में बताती हूँ कि बैंगन कैसे भून। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं लिड को हटा रही हूँ और अभी आपको दिखाऊंगी कि हमारे बर्थे वाले बैंगन जो वो कितने अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं सारे के सारे बैंगनों को यहाँ निकाल दूंगी। और आप यहाँ पे कढ़ाई भी देख सकते हो कि बिना पानी के ये बैंगन भुने हैं और कोई भी फर्क नहीं पड़ा है कढ़ाई को भी, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे जो बैंगन हैं वो कितने अच्छे से भुन चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। ये देखिए अब ये जैसे ठंडे होंगे तो इसको हम अच्छे से पील कर सकते हैं। तो ठंडे होने की हम वेट करेंगे और फिर इसको पील करेंगे। तो देखिए हमारे जो बैंगन हैं वो ठंडे हो चुके हैं, और अब इसको पील कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसको हम पील कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर ना तेल लगा है, फिर भी ये बहुत अच्छे से भुना हुआ है और अच्छे से हम इसको पील भी कर पा रहे हैं, और इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में गेस्ट आने वाले होते हैं, जैसे कल, तो आज ही बैंगन को आप भून के और अच्छे से पील करके कट करके इसको फ्रिज में रख सकते हो। जब भी मेहमान आए तो उसी टाइम इसको फटाफट हम तड़का लगा सकते हैं। तो ये काम भी शिशु कुकर में बहुत इजीली आप कर सकते हो।
ये देखिए मैंने इसके छिलके को हटा दिया और अब हम इसको इस तरीके से कट करके, ये देखिए वो अंदर तक गला हुआ है बैंगन, ये देखिए बिल्कुल भून चुका है। और इस तरीके से हम कट करके इसको फ्रिज में रख सकते हैं और जब मेहमान आए तो फटाफट से तड़का लगा दो और बहुत टेस्टी वाला भरता आपका तैयार हो जाएगा मिनटों में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मेरी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। अब नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय एंड टेक केयर।